तो गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स, लेट अस डू वन मोर थ्योरम्स ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। और टेंजेंट टू अ सर्कल्स में आपने एक तो पढ़ा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी आप टेंजेंट बना लो, वेर एवर, तो कोई एग्जाम बनाया तो ये रेडियस के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। This theorem is called radius is perpendicular to tangent. Now the second theorem is if you draw tangent to a circle from point outside, ठीक है? अच्छा, एक circle पर on the circle एक ही tangent बनेगी, ठीक है? अगर circle के बाहर एक point है तो कितने tangent बना सकते हो? एक tangent इसको ऊपर की तरफ जाएगी और एक नीचे की तरफ, ठीक है? और सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट बनेगी? नो टेंजेंट। यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, तो कोई बाहर पॉइंट है तो मैक्सिमम दो टेंजेंट बन सकती है। हमको ये प्रूव करना है कि इसकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from point outside are equal, okay? तो ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट अस ड्रॉ सर्कल। सर्कल से एक पॉइंट लेते हैं पी, ये बना लेते हैं इधर और ये बना लेते हैं इधर, इसको नाम देते हैं एक पॉइंट और ये, ठीक है? वो पॉइंट इसको नाम देते हैं ए और इसको बी। दिस एंगल इज 90 एंड दिस इज आल्सो 90 बिकॉज़ दे आर टेंजेंट्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू पी वी। सो गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट्स, ठीक है? टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, सिंपल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OP को जैसे ज्वाइन किया आपने तो आप देखोगे कि इन ट्राइंगल POAP एंड OBP, इनको देखो आप, तो आपको क्या मिलेगा? इन ट्राइंगल OAP एंड OBP सबसे पहले मिला, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इतना पड़ेगा आपको, तो द रीजन इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक, फिर आप देख सकते हो OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन। फिर आप देखोगे OA इज इक्वल टू OB, दैट इज रेडियाई, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल। सो ये हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसके ऑपोजिट, ये हो गया साइड। सो बाय आर एच एल ट्राइंगल OAP कॉन्वेनेंट टू ट्राइंगल OBP, देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी PA इज इक्वल टू PB। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल इन लेंथ। आप यहां से एक और चीज देख सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट आउटसाइड टू द सेंटर विल बाइसेक्ट एंगल AOB, दैट इज एंगल बिटवीन द रेडियाई and angle APB, that is angle between the tangents. So OP is the bisector of angle AOB and angle APB, ये भी prove हो गया। Tangents की length equal हो गई, ये भी prove हो गया, ठीक है? और basically इस diagram से बहुत सारी चीज़ें और prove होती है, जैसे कि इसको join करते हो, ठीक है? तो ये जो होगा ये perpendicular bisector हो जाएगा किसका? AB जो होगा, या OP है, OP AB का perpendicular bisector भी होगा,
तो एक बार दोबारा डायग्राम बनाना। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाइए, ये पॉइंट पी बनाइए, ये दोनों टेंजेंट है मान लो यहाँ पर, ठीक है। ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ठीक है। नाउ आपको आपने ज्वाइन कर दिया, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते ये बनाते हैं, सपोज करो चलो ये ज्वाइन कर दिया टी, तो आप देखोगे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए टी इज इक्वल टू बी टी। ये इसलिए होगा क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अकॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आप देखो यहाँ पे ये हम पहले 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रूव कर दूँ कि ये एंगल 90 है तो डन हो जाएगा। तो आप देखो ये दोनों साइड बराबर प्रूव किया हमने, ये दोनों साइड बराबर हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि ये बन गए काइट, और काइट में आपको पता है कि ये जो होता है ना एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। आप प्रूव भी कर सकते हो कॉम्बिनेशन से। इससे यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई कि ये जो ट्राइंगल है ना इसमें एक एंगल 90 और इस वाले ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 ओ ए पी में और ए टी ओ में, और ओ ए पी और ओ ए टी लिख देता हूँ तो एंगल ऑफ कॉमन भी है। तो एक चीज और निकल के आएगी जो यूज बाद में करेंगे, वो ये है कि ओ ए टी इज सिमिलर टू ओ ए पी, और ओ ए टी लिखा है तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा ओ टी ए, ओ टी ए सिमिलर टू ओ ए पी, इसका यूज बाद में हो जाएगा। और आप ऐसे लिख सकते हो उसमें रेशियो, जैसे देखो टी ए यानी ए टी अपॉन इसका रेशियो आ रहा है ए पी यानी पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी। ये बहुत काम इम्पोर्टेंट चीज़ है, ए टी इज इक्वल टू ए पी एंड ओ ए अपॉन ओ पी, ठीक है। इससे बेस्ट नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करेंगे हम सिमिलैरिटी से बेस्ट यहाँ। सो विल डू फर्दर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास।